कपूर खानदान की बेटी रिधिमा कपूर, जिनकी फैमिली का लगभग हर शख्स फिल्मों से जुड़ा है, लेकिन ये एक लौती बेटी हैं जिन्हें फिल्मों से दूर अपनी अलग दुनिया बसाई है। हाल ही में नीतू कपूर ने अपनी बेटी रिधिमा कपूर को जन्मदिन विश करते हुए एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, हैप्पी बर्थडे माय लव, तुम मेरा सब कुछ हो, तुम्हें ढेर सारा प्यार और दुआएं देती हूँ। आलिया भट्ट ने भी ननद को बड़े ही प्यारे अंदाज में विश किया। बता दें कि दोनों ननद भाभी में काफी बनती है। रिधिमा कपूर साहनी अक्सर सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट की तारीफ करते नजर आती हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उनका गिविंग नेचर है, मेरा भाई खुश नसीब है जो उसे आलिया मिली। आलिया भी वैसे खुश नसीब है। उन्होंने कहा कि मुझे आलिया की वाइब काफी पसंद है, वो कोई पॉलिटिक्स नहीं करती, उन्हें गॉसिप करना भी पसंद नहीं है, उनमें और मुझमें काफी सिमिलैरिटी है, इसलिए हमारी काफी बनती है। राहा के साथ भी बुआ रिधिमा की काफी अच्छी बॉन्डिंग है। मजेदार बात ये है कि रणबीर और राहा रिधिमा को बू कहकर बुलाते हैं और रिधिमा राहा को स्ट्रॉबेरी बुलाती हैं। बता दें कि रिधिमा कपूर अपनी कजिन सिस्टर करीना करिश्मा की तरह रिधिमा फिल्मों में नहीं, और कहा जाता है कि इसकी वजह ऋषि कपूर ही थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रिधिमा फिल्मों में आए। हालांकि 16-17 की उम्र में रिधिमा को एक फिल्म का ऑफर आया, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। रिधिमा ने अपने पापा और दादा की बात रखी और फिल्म लाइन से दूर रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लाइमलाइट में नहीं रहती, बल्कि सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं। रिधिमा फेमस ज्वेलरी डिजाइनर हैं, उनके ब्रांड का नाम RKS है जो काफी फेमस है, इंडस्ट्री के नामी लोग उनके क्लाइंट्स हैं। इसके अलावा वो कई स्टार्स के कपड़े भी डिजाइन कर चुकी हैं। रिधिमा अपने ज्वेलरी ब्रांड और फैशन डिजाइन के दम पर करोड़ों का बिजनेस चलाती हैं। रिधिमा की शादी दिल्ली के एक बिजनेसमैन से हुई, जिनका नाम भरत साहनी है। भरत की अपनी गारमेंट कंपनी और फैशन हाउस है। दोनों की मुलाकात लंदन में हुई थी और इसके 3 साल बाद साल 2006 में दोनों ने शादी कर ली थी। हालांकि इस शादी से पिता ऋषि कपूर राजी नहीं थे। जब पहली बार पिता ऋषि उनके बॉयफ्रेंड भरत से मिले, वो लगातार उन्हें बस घूर रहे। उस वक्त भरत ने थोड़ी पी रखी थी। जब उन्हें पता चला कि वो रिधिमा के पिता से मिलने जा रहे हैं, तो वो डर गए। सभी फैमिली वाले मुंबई के पियानो बार गए। पूरी शाम ऋषि कपूर पियानो के बगल में खड़े होकर भरत को घूर रहे थे और कह रहे थे, कौन है भाई तू, ऊपर से नीचे देख रहा है। ससुर दामाद की पहली मुलाकात में कोई बात नहीं हुई, सिर्फ बस नजरें मिलाई। रिधिमा ऋषि कपूर की इकलौती बेटी थी, इसलिए उन्होंने भरत से कह दिया था कि उन्हें कुछ साल और एक दूसरे को देख लेना चाहिए और फिर शादी करनी चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा था, तुम्हारे पास कुछ साल हैं, उसके बाद भी अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम तैयार हो तो हम तुम्हारी शादी करा देंगे। बता दें कि रिधिमा और भरत ने 4 साल डेटिंग के बाद शादी की थी। दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम समारा है, जो अक्सर मामू रणबीर और नानी नीतू के साथ दिखती हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।